से अब लोकगीत में तहलका मचावल जाए। अभी तो आप सब देखा था नहीं। गीतकार अखिलेश कश्यप जी हाँ, जिन्होंने जल्द ही अनाउंस किया है कि वो कई लोकगीत लेकर आ रहे हैं और कई सारे सुपरस्टार के साथ, कई सारे उभरते हुए कलाकारों के साथ। तो आपको बता दें कि इसकी पुष्टि खुद अखिलेश कश्यप ने की है। उन्होंने ये बताया है कि वो जल्द ही कई लोकगीत लेकर आ रहे हैं, उनमें से एक लोकगीत जो होगा वो पवन सिंह का है, जिसकी काफ़ी दिनों से बात हो रही है। दूसरा खेसारी लाल यादव का है। खेसारी लाल यादव दो से तीन लोकगीत लेकर आ रहे हैं। और बात करते हैं रितेश पांडे की, तो रितेश पांडे के लिए भी वो एक गीत लेकर आ रहे हैं। वो लोकगीत नहीं है, वो नॉर्मल ऐसे ही सॉन्ग है। और आपको बता दें कि कई सारे धमाके करने वाले हैं अखिलेश कश्यप। इस वक्त के प्रोमिनेंट गीतकार हैं, क्योंकि उनके कई गाने बहुत बेहतरीन हिट हुए, जैसे लहंगा लखनऊआ हो, भतीजवा का मौसी जिंदाबाद हो, महादेव का दीवाना हो, भतीजवा का माई देवघर जाई हो, या अमूमन या कह ले इस वक्त तो खेसारी के ज़्यादातर गाने अखिलेश कश्यप ही लिख रहे हैं। साथ ही पवन के भी गाने आजकल अखिलेश कश्यप लिख रहे हैं और वो ज़बरदस्त हिट हो रहे हैं। इनकी जोड़ी को बहुत पसंद किया गया है और अखिलेश कश्यप कई और बेहतरीन गाने लेकर आएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि भोजपुरी में कई अच्छे सॉन्ग अब आपको बैक टू बैक सुनने को मिलेंगे। साथ ही नवरात्र के गानों की भी रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। जी हाँ, नवरात्र के गानों की भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली है, जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। और अगस्त लास्ट वीक में आपको ये गाने सुनने को मिल सकते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।